आज एक मरतबा फिर महफिल थिएटर में मौजूद है। महफिल थिएटर की उस टीम के साथ मौजूद हूँ जो जानी पहचानी टीम है, जिसका दुनिया भर में सिक्का बोलता है। और यही टीम वो टीम है जो किसी भी सुपरहिट ड्रामे की कामयाबी की जमानत है। जी हाँ, आज जुमा 30 दिसंबर से महफिल थिएटर में जिस ड्रामे का आगाज हो रहा है, उस ड्रामे का नाम है वादा ना तोड़। जी हाँ, ड्रामे के नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, वादा ना तोड़। क्योंकि दुनिया पर, जमीन पर रहने वाले लोग, जमीन पर बसने वाली दुनिया अपने खूबसूरत वादों के सहारे पर जी रही है, और वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादे कहाँ तक निभाए जा सकते हैं और निभाए जा सकते हैं कि नहीं निभाए जा सकते? अगर वादे टूटते हैं तो उसके बैकग्राउंड में क्या हकीकत है, और अगर वादे निभ जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं? एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत सिचुएशनल प्ले, खूबसूरत कॉमेडी और मेरी टीम की भरपूर परफॉर्मेंस। ड्रामे का नाम है वादा ना तोड़। जी हाँ, एक अरसे के बाद ये गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है हमारे पास, हमारे थिएटर की सुपरस्टार, पंजाब थिएटर की सुपरस्टार, खूबसूरत कैफ एक मरतबा फिर खूबसूरत हुई है, और पाकिस्तान भर के तमाम थिएटर्स पर अपने फन का सिक्का जमाने के बाद सुपरस्टार सुंबल खान एक मरतबा फिर महफिल और हमारा सुपरस्टार, हमारे ड्रामे की रीढ़ की हड्डी, हमारे ड्रामे की शान आन बान, शाहिद खान। शाहिद खान साहब ने जो भी रोल किया उसको अमर कर दिया, और वादा ना तोड़ में भी वो एक ऐसा रोल कर रहे हैं कि ड्रामा उनके इस खूबसूरत रोल की वजह से इंशाल्लाह अमर हो। और हमारा खूबसूरत हीरो एक मर्तबा फिर मजबूत रोल में, तौकीर जैदी। और ये जो मेरे पीछे जो साहब खड़े हैं, ये वो मजबूत आदमी है, ड्रामे की सारी भाग दौड़ इनके हाथ में है, और ये जरा थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे ड्रामा तो ड्रामा बिखर जाता है। और इनकी यही क्वालिटी है कि ये ड्रामे को मजबूती से कायम और दायम रखते हैं और चलाते हैं, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर वहीद अहमद साहब। हमारे थिएटर की दुनिया का खूबसूरत नाम, हमारा बड़ा अच्छा एक्टर कॉमेडियन इस ड्रामे में एक अलग सा मुनफरिद रोल कर रहा है, आसिफ भारा। आसिफ भारा के साथ ये जो फनकार मौजूद है, ये जब सेट पर इंटर होता है तो आप लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है, और इस मर्तबा भी ये एक बड़ा मजेदार कॉमेडी रोल कर रहे हैं और कहानी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, और इसमें आपको ये बताएंगे कि ये क्या नया स्टाइल लेकर आ रहे हैं रजी खान। नदीम चिट्टा को बड़ा पकड़ के लाना पड़ता है रावलपिंडी से। रावलपिंडी के लोग इन्हें आने नहीं देते, जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इन्हें जाने नहीं देते, ये फिर भी हमसे भाग जाते हैं, हम इन्हें पकड़ लाते हैं क्योंकि आप इनको पसंद बहुत करते हैं, इनको मोहब्बत और प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद एक्टर है जो इंग्लिश में भी कॉमेडी करता है। और इस मर्तबा भी अपनी खूबसूरत कॉमेडी के साथ अच्छे रोल में आ रहा है नदीम चिट्टा। और हमारा खूबसूरत फनकार इस वक्त हमारी रिहर्सल में मौजूद नहीं है, फैसलाबाद में ड्रामा कर रहे हैं, आज जुमा से वो भी वादा ना तोड़ का हिस्सा बन रहे हैं, अजीम विकी। और नफीस जमान, मजीद अहमद, गबरू रंगीला, शाहिदा मिनी, मैं माफी चाहता हूँ शाहिदा मिनी साहबा के लिए, शाहिदा नीलम साहबा, अल्लाह पाक शाहिदा मिनी साहबा को भी लंबी जिंदगी दे। तो शाहिदा नीलम भी इसमें एक खूबसूरत रोल कर रही हैं, यकीनन आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। महफिल थिएटर का ड्रामा कमजोर हो ही नहीं सकता, हमेशा आपके ऐन मिजाज और मयार के मुताबिक होता है, तो तशरीफ लाइएगा, ड्रामा मिस ना कीजिएगा, ड्रामा देखने वाला है। इस ड्रामे को भी आप मुद्दतों याद रखेंगे, वादा ना तोड़। गुजारिएगा, बहुत ही जबरदस्त है, और सबसे खुशी का दिन ये है कि हम हमारे साथ नया साल हैप्पी न्यू ईयर भी मनाइएगा।
इसी दिन आपने एक वादा किया था, आप समझते हैं कि आपने वो वादा तोड़ा है या निभाया है? हमने 2021 में जो ऐलान किया था आज के दिन, 2022 खत्म होने वाला है तो हमें वो याद है, इसलिए हमने आखिरी ड्रामे का नाम वादा ना तोड़ रखा है। और हमने जो वादा किया था, हम आज तक हमने वादा किया था, संबल खान जी उस वक्त आप नहीं थी, कि साल 2022 का साल पाकिस्तान थिएटर की दुनिया में महफिल थिएटर का वो कामयाब साल होगा कि हम आपको हर जुमे को एक सुपरहिट और खूबसूरत ड्रामा देंगे। और हमने पूरा साल सुपरहिट और कामयाब ड्रामे देकर अपने वादे को पूरा किया है। और आज के दिन फिर ऐलान करते हैं कि साल 2023 अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी दी तो हम महफिल थिएटर में ड्रामा देखने वालों को कभी मायूस नहीं करेंगे। यहाँ पर ड्रामा ड्रामा और सिर्फ ड्रामा होगा। तो आइए तशरीफ लाइए और देखिए वादा ना।